गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम अंशों के प्रकार के बारे में जानेंगे कि कोई भी कंपनी निम्नलिखित दो प्रकार के अंशों को जारी कर सकती है, मतलब दो प्रकार के जो शेयर है वो जारी कर सकती है। सबसे पहला है साधारण या समता अंश, दूसरा है पूर्वाधिकार या अधिमान अंश। ये दो तरह के अंश होते हैं जो कंपनी इशू करती है। सबसे पहला है साधारण या समता अंश, जिसे कहते हैं इक्विटी शेयर। साधारण अंश से तात्पर्य उन अंशों से हैं जिन्हें पूर्वाधिकार अंशों की तरह पूर्वाधिकार प्राप्त नहीं है। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं साधारण अंश से तात्पर्य उन अंशों से जिनके धारकों को निम्नलिखित अधिकार नहीं होते, जैसा पहला है लाभ के भुगतान का पूर्वाधिकार, दूसरा कंपनी के समापन के समय पूंजी के पुनर्भुगतान का पूर्वाधिकार। साधारण अंशों के धारकों का लाभांश तभी प्राप्त होगा जब वे पूर्वाधिकार के अंशों को लाभ चुकाने के बाद लाभ की राशि बच जाए। यदि कंपनी लाभों का संपूर्ण राशि पूर्वाधिकार अंश को लाभ चुकाने में ही प्राप्त हो जाए तो साधारण अंशधारी को लाभ देना संभव नहीं है। इसी प्रकार यदि कंपनी के समापन के समय कंपनी की सभी संपत्तियां पूर्वाधिकार अंशधारी की पूंजी का पुनर्भुगतान से ही प्राप्त हो जाए तो साधारण अंशधारी को किसी भी प्रकार की आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। साधारण अंश को दो प्रकार से हो सकते हैं, जैसे मताधिकार युक्त, दूसरा है विभेदात्मक। मतलब कहने का मतलब है कि ये विभेद अधिकार लाभों का मतदान या अन्य विषयों में से संबंधित हो सकते हैं जिन्हें निर्धारित कर दिया गया है MCA द्वारा। अधिसूचित नियमों द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि कंपनी के विभेदक अधिकार युक्त साधारण अंश जारी कर सकती है। ऐसे अंशों का निर्गमन शर्त एवं प्रक्रिया इन नियमों के निर्धारित होती है। कोई भी निजी कंपनी विभेदात्मक लाभांश अधिकार युक्त अंश निर्धारित की गई शर्तों का पालन किए बिना ही निर्गमित कर सकेगी यदि इसके सीमा नियम या अंतर नियम में से आशय की व्यवस्था है। पूर्वाधिकार या अधिमान अंश, प्रेफरेंस शेयर जिसे कहते हैं। पूर्वाधिकार अंशों से तात्पर्य ऐसे अंशों से जिन्हें धारकों को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होते हैं। पहला, कंपनी के जीवन काल में लाभांश प्राप्त का अधिकार। दूसरा, कंपनी के समापन की दशा में पूंजी की वापसी का पूर्वाधिकार। इसके अतिरिक्त कोई भी अंश पूर्वाधिकार अंश तभी माने जाएंगे जब उसके धारकों को निम्नलिखित में से कोई भी एक या दो ही अधिकार प्राप्त हो। लाभों की प्राप्ति का पूर्वाधिकार के अतिरिक्त, दूसरा समापन के समय पूंजी की वापसी में पूर्वाधिकार के अतिरिक्त इन्हीं समापन के दौरान में। तो ये जो है बताएं मैंने अधिनियम के अन्य प्रावधानों के पूर्वाधिकार अंशों के जो अधिकार इस तरह के होते हैं, उन्हें अपने शेयर में किस तरह से प्रॉफिट मिलता है। तो शेयर दो प्रकार के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। दोनों ही में ही अंतर हमने आज समझा है। तो ये एक सिंपल सा अंतर है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।